हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। और इससे पहले वीडियो में जब हमने देखा स्टॉक ने 70 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, बाउंस बैक किया था और अगेन जब रिजेक्शन लिया था 70 के लेवल से, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक 64 पर सपोर्ट लेकर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने कहा था कि अगेन हमको 70 तक का हमको जम देखने के लिए मिल सकता है। हमने देखा कि उसके आसपास तक हमको जम देखने के लिए मिला है, अगेन गिरावट आ रही है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला। स्टॉक ने हमको तेज़ी बताई है, लगातार अपने हाई को ब्रेकआउट करते हुए नज़र आ रहा है और स्टॉक अपने अब ट्रेंड में ही ऊपर की ओर कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा। जो पिलर्स नीचे की तरफ इंटर हुए वो इस लेवल में भी बढ़े हुए एग्जिट के लिए तैयार नहीं, इसीलिए हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो वैसे कंडीशन में ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं और हमको ब्रेकआउट के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और 2-3 दफ़ा स्टॉक ने 3 दफ़ा इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो इस बाउंस बैक के साथ अब स्टॉक अपने हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो स्टॉक हम देख सकते हैं जहां बार बार सपोर्ट ले रहा है गिरावट के साथ 64 का लेवल, और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ये जो है जहाँ से रिजेक्शन लिया था, रिकवरी के साथ इस हाई को ब्रेकआउट करके बड़ी तेज़ी दिखाई थी 58 का लेवल, ये तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अब हमको अगेन इसी लेवल पर नज़र रखना है, 70 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब इस बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे 70 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, पहला टारगेट रहेगा 70 का। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट देगा आईआरबी में, फिर हमको 74 से लेके 80 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।